असाइनमेंट नंबर कौन से डिस्कस कर रहे थे? फोर, फोर्थ ना? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर हमने शायद ये कर लिया था, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड था, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम इज कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, इसको शुरू करना है हमने, और ऑफ लेंथ 2L एज शोन इन अ फिगर, द कॉन्टिन्यूस फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग एट राइट एंगल टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग, शो दैट एक्सेलरेशन एम ऑफ द डायरेक्शन एट राइट एंगल एफ इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि एक मास है एम, ये स्ट्रिंग है, एक मास है एम, और आप यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से क्या लगाते हो इसके नीचे की तरफ? फोर्स एफ। तो आप फोर्स एफ लगाते हो नीचे की तरफ, एंड सच दैट इसकी जो लेंथ है वो 2L है। 2L का मतलब यहाँ पर क्या है, ये L और ये L। सो इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है क्या होगी, और एक्सेलरेशन के लिए लेट अस सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसकी शेप फाइनल ऐसी बन जाएगी, ये शेप ऐसी हो जाएगी स्ट्रिंग की। क्यों? क्योंकि पहले ये सीधी थी, आपने सेंटर से खींचा तो इसकी शेप ये वी टाइप हो जाएगी, इलास्टिक है तो ये टेंशन हो जाएगी इसमें, और ये नीचे की तरफ ऐसे शो करेगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, निकालो एक्सेलरेशन क्या होगी इसमें। तो ऐसे कर सकते हैं ना, ये एंगल सपोज कितना है थीटा, ये भी कितना है थीटा, टेंशन टी एंड टी, अगेन टेंशन टी एंड टी, जो टेंशन है वो टी एंड टी, टेंशन यहाँ पर टी एंड टी, टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं टी इंटू कॉस थीटा, और इस तरफ भी टी इंटू कॉस थीटा, और इस तरफ कितना टी इंटू साइन थीटा, और इस तरफ कितना टी इंटू साइन थीटा, और ये फोर्स कितनी लग रही है नीचे की तरफ एफ। ठीक है यहाँ तक? जिस वजह से ये जो मास है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है विद एक्सेलेरेशन ऑफ ए, और ये भी इस तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, ये मासेस एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक, तो पहली इक्वेशन तो इसमें ये बनेगी, जो यहाँ पर मास तो है नहीं, ये तो स्ट्रिंग का पार्ट है, तो एफ इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा, जो एफ की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, टू टी कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि मास नहीं है तो ऊपर और नीचे की फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा, तो टी की वैल्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा। ठीक, और लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो मास है ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा पास आ गया है, मीन्स ये राइट और ये लेफ्ट चला गया है, तो मास कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गया। अगर स्ट्रिंग को खींचोगे तो मास वहीं थोड़ा पड़े रहेंगे, मास एक दूसरे के पास आएंगे और स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगी। तो लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में, जैसे डायग्राम में गिवन है, इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स, ये जो नया डायग्राम बना हुआ है, रादर नए डायग्राम में ये एम है, ये एम है, ये एफ है, ये टू टी कॉस थीटा है, और ये नया डिस्टेंस अब एल नहीं होगा, नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा अब एक्स हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है? पहले ये डिस्टेंस कितना था एल था, अब क्योंकि मास लेफ्ट राइट की तरफ चला गया तो ये डिस्टेंस कितना रह गया अब एल हो गया। ठीक है यहाँ तक? तो ये एक्स हो गया, एल से एक्स हो गया। तो इसमें बाकी डायग्राम एग्जैक्टली सेम है जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो जितना भी है मालूम नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस सेकेंड डायग्राम में चेक कर सकते हो, एल गिवन है, तो सेकेंड डायग्राम में ये एल गिवन है, ये एंगल इसमें थीटा गिवन है, तो ये कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एल दिस पर कॉस थीटा साइन थीटा की रेशियो आएगी, जो यहाँ पुट करूंगा। पहले चेक कर लेते हैं निकालना क्या है, अपने को एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये एक मास है, इस मास को कौन सी फोर्स चाहिए इस तरफ, या इस मास को एक फोर्स चाहिए होगी इस तरफ,
जो इसे राइट लेके जाएगा, इस मास को एक फोर्स चाहिए होगी लेफ्ट की तरफ, जैसे लेफ्ट लेके जाएगा, और वो फोर्स क्या होगी, टी साइन थीटा इसे एक्सलेशन जनरेट करवाएगी, क्योंकि एक फोर्स यहाँ है, और ऐसे टी साइन थीटा इसे एक्सलेशन जनरेट करवाएगी इस तरफ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस मास के लिए एम इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू साइन थीटा, सिमिलरली इस मास के लिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, एम, लेकिन टी हम निकाल चुके हैं, इस टी को यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई एम, और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एफ डिवाइडेड बाई कितना, टू इंटू कॉस थीटा, एक्सलेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टू एम इंटू टैन थीटा, एफ डिवाइडेड बाई टू एम, टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से इसके इक्वल आएगी, और एक्सलेशन की वैल्यू यही प्रूव करनी है, एफ डिवाइडेड बाई टू एम, उसे प्रूव करने को कहा, तो एक्सलेशन इसके इक्वल आएगी। ठीक, तो इसके अंदर और वो कह रहे सिचुएशन डिस्कस करो जब x l के इक्वल हो जाएगा, x l के इक्वल होगा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो एक्सलेशन इज नॉट डिफाइंड, x l के इक्वल कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, l है, और x l के इक्वल कभी हो नहीं पाएगा, तो इस केस में ये केस पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो इनिशियल केस में होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर एक्सेलेरेशन आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे उसमें, फिर वो रेस्ट पे तो हो सकता है पर वैसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ डायनामोमीटर डी इज अटैच टू द वेट ऑफ मास एम इज इक्वल टू 10 केजी एंड मास 10 ग्राम, फोर्स की वैल्यू आपको दोनों तरफ गिवन है, छोटे और बड़े फोर्स की वैल्यू गिवन है, व्हाट विल हैपन टू द वेट्स and what will the dynamometer show if F is applied to the larger weight and F to the smaller weight? तो आपको ये बताना है कि बड़े और छोटे वेट में इसमें जो है दोनों फोर्सेज अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मीटर क्या शो करेगा, तो आपको इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिर्फ टेंशन निकालनी है। तो ये मास छोटा m है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग से घबराने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स हो जाएगी जिसको टेंशन बोलते हैं, तो ये फोर्स कितनी है, कैपिटल एफ है, ये फोर्स कितनी है, स्मॉल एफ है, मान लो सिस्टम राइट मूव कर रहा है, तो ये टेंशन टी, टेंशन टी, तो ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तो राइट की तरफ जा रहा है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और यहाँ के लिए राइट की तरफ जा रहा है तो टी माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम, सेम क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो ब्लॉक्स का और स्ट्रिंग का। तो यहाँ से आपको सारा कुछ गिवन है, आपको क्या निकालनी है, टेंशन टी निकालनी है, सारी वैल्यूज पुट करो, टेंशन टी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो इसमें आपको टेंशन की वैल्यू, जैसे वो स्प्रिंग में जो वेइंग वो नहीं होता, जो वेइंग स्केल होता है या स्प्रिंग बैलेंस होता है, आप उसे खींचते हो तो वो टेंशन मेजर कर देता है, तो बेसिकली आप टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ टेंशन, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना और टेंशन निकाल लेना, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व तो क्या ही करना है, अपने आप करते रहना, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसके ऊपर टाइम अभी लगाया जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो डायग्राम देख रहे हो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन शायद हमने किया हुआ है, वो किया था, वो एक लिफ्ट में एक खुद एक मैन बैठा है और अपने आप को खींच रहा है, बस ये लिफ्ट में नहीं है, ये एक ब्लॉक के ऊपर है और ये ब्लॉक को खींच रहा है, और ऐसे फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन भी नहीं थी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, वो वाला शीट नहीं मिली, कौन सी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आंसर इसका म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन वन प्लस म्यू। बनाओ फोर्सेस बनाओ, जैसे वो क्वेश्चन करते थे वो खुद खींच रहे तो क्या होगा। देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाएंगे, एक बोर्ड के लिए बनाएंगे। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाएंगे, मैन के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जरा एक मिनट बोर्ड को देखो, ये जो बोर्ड है इसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल में तो मुझे पता ही है कि यहाँ पर क्या लग रही है, टेंशन टी लग रही है, और इस तरफ क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो बोर्ड का अपना वेट बोलो कितना है, कैपिटल एम जी, बोर्ड का वेट कैपिटल एम जी। तो बोर्ड को क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर, क्योंकि बोर्ड अब ग्राउंड पे है। जो हमने क्वेश्चन उस टाइम किया था वो हवा में था, वो जो क्रिएट होता था, तो उसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, इसमें नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ है, तो इसका अपना नॉर्मल रिएक्शन कितना है, आर या एन जो मर्जी कर लो। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक फोर्स कौन लगाएगा, मैन भी तो लगाएगा बोर्ड के ऊपर। मैन एक्चुअल में मैन कितनी फोर्स लगाता था, लगाना चाहिए मैन को, स्मॉल एम जी मैन का वेट। पर प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम भी ये डिस्कशन हुई थी, जो मैन है उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है, और अगर मैं रस्सी को पकड़ के रख रहा हूँ तो मेरा वेट पूरी तरह नीचे लगेगा नहीं, पूरी तरह तब लगेगा जब मैं ऐसे खड़ जाऊंगा, सिंपल एम जी। पर अगर मैं किसी को पकड़ लूंगा तो मेरा थोड़ा कम वेट नीचे की तरफ लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है। और वो कम वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट अस सपोज आर वन, वेर आर वन इज अपेरेंट वेट ऑफ द मैन, जब उसने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ एक्चुअल तो आएगा नहीं, तो लेट अस सपोज आर वन की वैल्यू आएगी, और आर वन स्मॉल एम जी से कम ही होगा। और इस केस में अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मैन ने एक तो स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, एक इसका वेट है कितना एम जी, और क्योंकि इस मैन ने रिएक्शन कह सकते हो नेट फोर्स कितनी लगाई यहां पर आर वन, तो मैन को भी तो क्या मिलता होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और मैन का नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है आर वन, वेयर टी प्लस आर वन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, तो आर वन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी माइनस कितना टी। आप चेक कर सकते हो R1 की वैल्यू स्मॉल mg नहीं होगी, स्मॉल mg माइनस क्या होगी t होगी। वो क्यों, क्योंकि अगर मेरा वेट स्मॉल mg है और मैं अगर रस्सी को पकड़ लेता हूँ विद टेंशन ऑफ t, तो मेरा नेट वेट क्या हो जाएगा, स्मॉल mg माइनस t, तो स्मॉल mg माइनस t हो जाएगा। तो ये जो नेट वेट है, अपेरेंट वेट है, ये मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, बोर्ड के ऊपर लगाऊंगा, तो ऑब्वियसली बोर्ड भी मेरे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये डायग्राम क्लियर है यहाँ तक, स्मॉल एम जी, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ना। देखो मतलब मैं आर वन ना लूँ, ओके मैं ये खड़ा हूँ, मैंने वेट एम जी लगाया, क्या मेरे को नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा ऊपर, आप कह रहे हो नॉर्मल रिएक्शन मत बनाओ,
अच्छा उल्टा कर लो, पहले मैंने बोर्ड का बनाया है ना, आप मैन के लिए बनाओ, आप शुरू मैन से करो। मैन का वेट स्मॉल एम जी, मैन की टेंशन ऊपर, मैन का रिएक्शन आर वन, ठीक। तो मेरा नेट वेट नीचे की तरफ एम जी माइनस टी, तो बोर्ड से पूछो कि मैं उसके ऊपर कितना वेट लगा रहा हूँ, वो एम जी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा एम जी माइनस टी, और जो कि किसके इक्वल है आर वन, तो बोर्ड के ऊपर आर वन लगा, ठीक। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड के ऊपर छोटा एम जी नहीं लगेगा, छोटे एम जी से वैल्यू कम लगेगी, लगेगी तो सही ना, और बोर्ड भी इसको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब मैं जो मैन है वो तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है ही है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसलिए टी प्लस आर वन, अच्छा मैं लिख लिया टी प्लस आर वन इज इक्वल टू कितना एम जी, ये तो इक्वेशन है ही है, फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकेंड इक्वेशन है मैन की, मैन वर्टिकल सॉरी बोर्ड की, बोर्ड ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा, बोर्ड तो लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा, तो बोर्ड की वर्टिकल इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर वन प्लस कितना एम जी। तो बोर्ड का जो रिएक्शन है वो ऊपर और नीचे की फोर्सेस को इक्वेट कर दिया आपने, इक्वल हो गया, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, और इस केस में आर विल बी इक्वल टू आर वन की वैल्यू कितनी है स्मॉल एम जी माइनस टी प्लस कितना कैपिटल एम जी। तो आर की वैल्यू क्या आएगी एम जी माइनस टी प्लस कैपिटल एम जी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसमें मेरे को एक चीज पता है कि सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ये क्यों मूव करेगा बिकॉज ऑफ टेंशन टी, और क्यों मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम मूव करे कि ना करे, वो कह रहे ना करे, ना करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना टेंशन टी, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है फिर बड़ी होनी चाहिए टेंशन टी से, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और बोर्ड का नॉर्मल रिएक्शन कितना है आर, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना टी, तो म्यू टाइम्स आर, आर की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस कितना टी प्लस कैपिटल एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना टी, ठीक है आदल ये। नहीं आप ये चाहते हो कि F, वो तो मैं बाद में कर दूंगा ना, वो तो मैं ये करूंगा कि इसके अंदर एक्चुअल में जो मैन है उसने रस्सी को अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक, और वो क्या लगा रहा है फोर्स F, और एक इक्वेशन तो F इज इक्वल टू टी एंड में बनेगी बनेगी ना, एक ही बात है, एंड में पुट कर दूंगा। जब हाथ से रस्सी को पकड़ते हैं और नीचे खींचते हैं तो F और T एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसे हमने कई बार देखा, जब मास नहीं ना और रस्सी को एंड से खींचते हैं F फोर्स के साथ, तो उतनी ही टेंशन जनरेट होती है। आप पिछले किसी भी क्वेश्चन में चेक कर लेना, F और T हमेशा बराबर लिया हमने, अगर मास होगा ना तो F माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए, पर मास तो है ही नहीं ना वहां पर लगा हुआ, तो M तो है ही नहीं, तो F T के इक्वल हो जाएगा। जब हाथ से खींचते हैं ना किसी फोर्स से तो वो T के इक्वल हो जाता है। जब भी एक स्ट्रिंग को, आप पिछले क्वेश्चंस को रेफर करो जितने हमने क्वेश्चंस किए, हमने क्रिएट वाला क्वेश्चन भी किया था, आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेना कि जिसमें एक मैन अगर एक स्ट्रिंग को खींचता है नीचे की तरफ विद अ फोर्स ऑफ F, तो वो हमेशा T जनरेट करता है। इसमें इक्वेशन नहीं लगती है F इज इक्वल टू एम ए वाली, इसमें F इज इक्वल टू टी लगती है। हाँ अगर मास नीचे आ रहा है फिर F माइनस टी इज एम ए लग सकता है, लेकिन जब खींचने वाला केस होता है F फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं करना। पिछले क्वेश्चन को रेफर कर लेना जब ने उस टाइम किया था, खोल के देख लो, अभी खोल के देख लो। तो इस केस में F और T आपने बराबर करना है, कभी भी एक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आप खींच रहे हो, F और T एकदम बराबर करना है आपको। अब इसमें T और इसको ओपन कर या इसको T की जगह आप रिप्लेस कर ही लो F, तो यहां पर आएगा म्यू टाइम्स एम जी माइनस टी प्लस कैपिटल एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर F कर लेते हैं। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या निकालनी है, आपको इसमें F की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, रादर इसको ना T रहने दो अभी, इसका रीजन है क्योंकि इधर भी T चल रहा है इधर भी T चल रहा है, दोनों को F कर दो या दोनों को T कर दो एक ही बात है। तो यहाँ पर दोनों को T कर देंगे अभी, तो म्यू टाइम्स इसको ओपन करते हैं स्मॉल एम जी माइनस म्यू टाइम्स कितना कैपिटल T प्लस म्यू टाइम्स कैपिटल
एम जी, तो टी इधर चला गया, म्यू टाइम स्मॉल एम जी प्लस म्यू टाइम्स कैपिटल एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी कॉमन वन प्लस कितना म्यू, या टी लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉमन एम प्लस एम डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू। टी की जगह एफ अगर पुट कर दिया जाए तो म्यू टाइम्स जी एम प्लस क्या आ जाएगा, एम वन प्लस म्यू। तो फोर्स की वैल्यू इससे कम होगी या इससे इसके इक्वल होगी, तो यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, दैट इज म्यू इंटू जी एम प्लस एम डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू। तो इसका आंसर होगा जिसमें आप इसको मैक्सिमम फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक, बाकी क्वेश्चंस क्लियर है? एफ नहीं आएगा उसके वेट की वजह से, उसके वेट की वजह से। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे आपकी तरीके से एक्सप्लेन करना है तो ऐसे करूँगा कि लेट अस सपोज उसने फोर्स एफ लगाई, टेंशन टी जनरेट हो गई, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए जैसे मैंने बनाया, उसमें मैंने टेंशन टी को लिया, उसमें मैंने टेंशन टी को लिया, अगर आप डायग्राम में देखो तो उस मैन ने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक, फोर्स लगाने से टेंशन जनरेट की, फोर्स ना लगाता तो टेंशन ना होती। तो स्ट्रिंग और मैन के केस में स्ट्रिंग की टेंशन ली जाएगी, स्ट्रिंग की एफ नहीं ली जाएगी, बिकॉज एफ और टी आपस में क्या हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो हमने ये कहा अगर मैं इधर नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूं तो टेंशन जनरेट होती है, टेंशन जनरेट होने से पूरा जो बोर्ड है वो मूव करता है, ठीक, तो मेरा वेट पूरी तरह एम जी नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरीके से या तो मैं खींच रहा हूं ऐसे समझ लो, या ऐसे कह लो कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा वेट स्मॉल एम जी नीचे नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन की वजह से नहीं लगेगा। और जो आप कह रहे हो कि F को इंक्लूड करो, मैंने F को इंक्लूड किया, मैंने ये कहा जहां पे उसने हाथ से पकड़ा हुआ है F ने टेंशन को जनरेट किया, तो F का मैग्नीट्यूड T के इक्वल होगा, और वो टेंशन की वजह से मेरा वेट क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आप फायरमैन वाला क्वेश्चन करते हो, एक फायरमैन रस्सी से ऊपर चढ़ता है, ठीक, टेंशन जनरेट होती है, उसमें फायरमैन ऊपर एक्सेलरेट करता है खुद, तो आप बोलते हो टी माइनस एम जी इज एम ए, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो T इज इक्वल टू सीधा एम जी, पर इसमें एम जी नहीं, इसमें कितनी फोर्स F अप्लाई की हमने, तो इस तरीके से आपको कंसिडर करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में जब एक स्ट्रिंग से आप किसी भी सिस्टम को खींचते हो तो आपका वेट कम हो जाएगा, और वो क्यों कम होगा, क्योंकि टेंशन की वजह से कम होगा, कितना होगा एम जी माइनस टी हो जाएगा किसी भी हालत में, फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पी पॉइंट पी है वो, तो इट्स अ पॉइंट पी, कुछ नहीं है, पी कोई फोर्स नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन करना पहले, फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक वाला, फाइंड द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, हाँ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करना पहले, इसका आंसर तो आना चाहिए, एक बार चेक करो खुद।
एम प्लस एम बाई कॉट थीटा माइनस वन। देखो सिस्टम कुछ ऐसे है कि ये पूरा वेज जो है ना ये मूव कर सकता है टुवर्ड्स राइट, क्योंकि स्ट्रिंग की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसका वेट जो है वो कितना होगा, एम डैश जी होगा। इसका जो वेट होगा वो एम डैश जी होगा, ठीक। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी, टी एन टी हो गई टेंशन, टी एन टी। अब जब ये आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ कितना, ए, एक्सेलेरेशन ऑफ ए, जब आगे मूव करेगा तो इस स्मॉल m के ऊपर पीछे क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी जो इसको नीचे आने से रोकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये फटाफट नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि ये mg और ये थीटा, तो ये mg cos थीटा, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी, mg sin थीटा, और कौन इसको रोकेगा, अगर ये थीटा तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ma क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ एम ए साइन थीटा। और अगर आप चाहते हो कि नीचे ना आए, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार किया, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना, एम ए कॉस थीटा, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन या जी इन टू टैन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल आ गई। ऐसा क्वेश्चन कई बार किया हमने, एक्सेलेरेशन जी टैन थीटा वाला, यहाँ तक क्लियर है। मुझे क्या निकालना है, एम डैश निकालना है। अब ये बताओ कि पूरे सिस्टम की एक्सेलेरेशन क्या होगी, सिस्टम की एक्सेलेरेशन इज टोटल फोर्स बाय टोटल मास। कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम डैश जी, सीधे लगाओ शॉर्टकट, फ्री बॉडी डायग्राम क्या ड्रॉ करना, सीधे लगाओ, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, एम डैश जी, डिवाइडेड बाय कितना मास पूरे सिस्टम के अंदर है, एम है, छोटा एम है, एम डैश है, टोटल मास एम है और एम डैश है। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो नेट फोर्स नीचे की तरफ डिवाइडेड बाय टोटल मास है, सीधे ही कैलकुलेशन कर दिया। चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा लंबा तरीका है, ये सीधा तरीका है, ठीक है। यहाँ तक इस एक्सेलेरेशन को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जी इन टू टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम डैश जी एम 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 डैश, या जी टैन थीटा इन टू एम प्लस एम प्लस जी tan थीटा इन टू एम डैश, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू एम डैश इन टू क्या हो गया, g। तो m डैश को इधर ले जाते हैं, आपको m डैश निकालना है, तो g tan थीटा m प्लस एम इज इक्वल टू g कॉमन, m डैश कॉमन, वन माइनस क्या आएगा, tan थीटा। तो g से g क्या हो गया, कैंसल। तो m डैश की जो वैल्यू है इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कितना, टैन थीटा। तो यहाँ से आप टैन थीटा को नीचे ले आओ, टैन थीटा को नीचे लेके आओगे तो एम प्लस एम वन बाय टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। मैंने कर दिया क्वेश्चन, चेक करो, देखो ठीक है, कोई स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टेप गलत होगा, ठीक है, आंसर तो यही आ रहा है, मैंने तो बताया ही दिया, एस सी वर्मा का क्वेश्चन नहीं है, अनसॉल्व्ड, आंसर यही है उसके अंदर, बुक के अंदर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। हाँ जी, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, अब करो इसी ऊपर वाला क्वेश्चन, कोलिजन हो रही है, द वेज ऑफ मास एंड ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन।
अविनाश जी बना लो फिर फ्री वॉय डायग्राम बना लो फिर, बात तो एक ही है वो तो एक ही बात है, क्योंकि नीचे लाने की फोर्स तो एक ही है, वेज तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा ना, वो तो पुल करता हुआ आ रहा है पीछे की तरफ, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। सबसे आसान तरीका एक्सलेशन निकालने का,
हो गया समझ नहीं आया? नहीं नहीं सेंट्रोमास क्यों लेंगे? देखो क्या कह रहे हैं, एक वेज है और ए बी टू आर का इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। द वेज मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द फिक्स्ड फेयर। इलास्टिक का मतलब एनर्जी लॉस नहीं लेना आपने, जैसे ही किया उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, वी से गया वी से वापस आएगा। एंड रिटर्न अलॉन्ग द सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन, निगलेक्ट ऑल फ्रिक्शन एंड सपोज दैट वेज रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर विद फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। आपको ये बताना है कि एफ, फाइंड द फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन एन, एन और एफ की वैल्यू आपको बतानी है। इसका आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। एक चीज़ समझो, अगर एक स्फीयर है और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड टेढ़ी है, स्फीयर तो गोल है, तो जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो इसमें लगेगा, फोर्स जो लगेगी वो टेढ़ी लगेगी। ये सरफेस है ट्राइंगल का, ये स्फीयर है, तो नॉर्मल फोर्स जो है ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन किसी एंगल पे लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ करो, सपोज ये एक स्फीयर है ठीक, एंड सपोज लेट अस सपोज ये ट्राइंगल है ठीक, सच दैट ये जो फोर्स है, तो एक मिनट रुको डायग्राम ना थोड़ा बड़ा बन गया, कुछ इस तरीके से ये इसका सेंटर है सी, सेंटर सी, ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसी भी स्फीयर का कहां से पास करेगा, उसके सेंटर से, तो नहीं भी पास करेगा। मैं कहता हूं इस केस में चलो लेट अस सपोज यहां से कांटेक्ट में आए, नहीं भी पास करेगा कोई दिक्कत नहीं, अपने को सेंटर चाहिए नहीं। वैसे मान लो, बस ये समझ लो ट्राइंगल ने स्फीयर को हिट किया और जहां भी हिट किया वो परपेंडिकुलर हिट करेगा, तो लेट अस सपोज ये फोर्स कितनी है, एफ फोर्स, और बदले में इसे क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो जो रिएक्शन मिलेगा वो ऑब्वियसली इसके इक्वलेंट ऐसे कहीं मिलेगा, और मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री होगी, नॉर्मल है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्वेटरल ट्राइंगल है, इक्वेटरल ट्राइंगल है। ठीक, ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा 30। ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर अगर ये 30, तो ऐसे केस में जो बदले में रिएक्शन मिलेगा n, उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या होगी, f ही तो होगी, n और f तो बराबर होंगे इसमें। जो फोर्स लगेगी किसी एंगल पे लगेगी, जो भी लगेगी, मान लो वो 30 डिग्री पे लग रही है और रिएक्शन इसका इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो अगर ये एफ है, अगर ये एफ है तो ये, जैसे ये 90 है तो इस केस में अगर ये 30 है तो ये भी कितना है 30 है, तो एफ के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एफ इंटू कितना कॉस ऑफ 30 और इस तरफ कितना एफ इंटू कितना साइन ऑफ कितना 30, एफ कॉस 30 एफ साइन 30। ठीक है यहाँ तक? अब इस केस में अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखें, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अंदर ट्राइंगल लेफ्ट की तरफ आ रहा है विद अ मोमेंटम एम वी, टक्कर होने के बाद वापस आ रहा है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी, एनर्जी लॉस तो है नहीं,
तो एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा मैग्नीट्यूड में, 2 mv, चेंज इन मोमेंटम 2 mv, वो माइनस करने के बाद मैग्नीट्यूड तो 2 mv होगा। जब भी एक बॉल भी रीबाउंड करके वापस आती है, जाती है विद द मोमेंटम ऑफ mv, वापस आती है mv, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है और इंपल्स एक वेक्टर वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इंपल्स क्या होगा, इंपल्स होगा फोर्स। एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स है, f cos 30। एक्स एक्सिस में फोर्स कितनी है, f cos 30, ठीक है यहां तक, इनटू डेल्टा टी टाइम के कांटेक्ट में है, तो f cos 30 इनटू डेल्टा टी क्या आ गया, इंपल्स किस एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग, और एक्स के अलोंग चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 mv। तो यहां से आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, फोर्स की। फोर्स निकाल लें, फोर्स की वैल्यू कॉस ऑफ 30 पुट कर देना, तो यहां पर f cos 30 √3/2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 × m × v। तो यहां से फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 × m × v बाई √3 × कितना, डेल्टा टी। इतनी फोर्स जो है इसने इसके ऊपर अप्लाई की, तो आपको फोर्स निकालना है, ठीक है यहां तक। ओके, अब इसमें एक ये जो फोर्स आई ना, ये फोर्स मैंने किस पे लगाई, स्फेयर पे। हमसे फोर्स किस पे पूछी, ट्रायंगल पे। दोनों में अलग अलग, ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग। उसने क्या कहा, जो मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, ये मान के किया कि ट्रायंगल ने वेज ने स्फेयर पे फोर्स लगाई, तो मैंने ठीक है मैंने कहा फोर्स ऐसे लगाई, ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि स्फेयर ने ट्रायंगल पे कितनी फोर्स लगाई, तो कोई बात नहीं, लगाई तो उतनी मुझे मालूम है, पर मुझे वेक्टर अब ये लेना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने का तरीका तो एटलीस्ट सही होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक, आंसर सेम आएगा, उतनी ही लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट लगाई। लेकिन जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होने चाहिए, उस केस में क्या होने चाहिए, इसके साथ होने चाहिए, इस एफ के साथ, ठीक है। इसने एफ लगाई, इसने भी एफ लगाई, पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से अगर ये एफ है, ये 30 है, तो ये क्या बनेगा, एफ इंटू कॉस ऑफ कितना, 30, और ये क्या बनेगा, एफ इंटू साइन ऑफ कितना, 30। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये वाला काम कब करना है, जब फोर्स किस पे निकालनी है, वेज पे। अगर फोर्स निकालनी होती स्फेयर पे, फिर ये रहा, हाँ वो अलग बात है कि आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का फोर्स का कंपोनेंट इसमें भी एफ कॉस 30 है, और एक्स का कंपोनेंट इसमें भी कितने, एफ कॉस 30 है, तो आंसर विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है यहां तक। लेकिन अगर उसने नॉर्मल रिएक्शन पूछा अगले स्टेप में, आपको मालूम मैंने क्यों चेंज किया, मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया, उसने कहा नॉर्मल रिएक्शन बताओ टेबल के ऊपर क्या लगेगा। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन मुझे निकालना है, तो मुझे टेबल के ऊपर फोर्सेस बनानी पड़ेंगी, वेज की वजह से एक फोर्स बोलो क्या बनेगी, इसका वेट mg, जो कहाँ होगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन इसका कहाँ होगा, n ऊपर, ठीक। और वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ कितनी है, n, और नीचे की तरफ कितनी है, एक mg और एक f इंटू कितना, साइन ऑफ 30। अगर मैंने ये डायग्राम ना बनाया होता, तो देखो f साइन 30 ऊपर ले लिया जाता। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन किसका पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, उसमें n + f sin 30 = mg, आंसर में फर्क आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो अगर आपको ट्राइंगल के ऊपर, वेज के ऊपर फोर्सेस पूछी गई हैं, तो आप वेज के ऊपर ही अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करो, नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन आपका गलत आ जाएगा। फोर्स तक तो ठीक आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन में चेंज आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक। और अगर वो ये पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन स्फेयर का निकालो, फिर एफ साइन 30 प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट mg, आंसर आएगा। बोलो, जो भी m डैश होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि फोर्सेस के रेजोल्यूशन कहाँ कर रहे हैं हमने, बस हमें यही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बना इसलिए हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि
जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, जो और भी इसका अच्छा टॉर्क है वो नहीं आएगा अभी, टॉर्क हमने किया नहीं, रोटेशनल मोशन में आने वाला है अभी टॉर्क, वो वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? जो आखिरी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, एक और था वो वाला, एक और भी है इसमें, वही लास्ट था, अच्छा ठीक है वो मैंने हटा दिया होगा, वो वही था जो क्रेट में हम वो मैन खींच रहे, तो वो तो सेम ही है, उसको करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, एक शीट दी थी जिसका पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से शीट नंबर 5 थी, इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स वाली, हाँ ये HCV की शीट है। कितने लोगों ने वैसे HCV ट्राई की? नहीं की? ये क्यों शीट देखी होगी फिर आपने, बस ठीक है फिर इसको कर दो फिर खत्म, नहीं की तो ये लो अभी खत्म हो जाएगी 10 मिनट में। पहला इन अ सिचुएशन यही है ना, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग शीट है ये भी, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में टच किया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकली बहुत हाई नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और न्यूमेरिकल अभी नेक्स्ट शीट जो अभी दी है मैंने वो बहुत अल्टीमेट शीट है, वो न्यूमेरिकली बहुत अच्छी है, अभी जो अभी दी है मैंने आज, उसके न्यूमेरिकल्स वो फर्स्ट न्यूमेरिकल की शक्ल देखती है आपको पता लग ही जाएगा, ये असाइनमेंट बहुत अच्छी है। जाते हुए ये वाली ये शीट नंबर कौन सी कहा मैंने अभी, 6 की 5 फिफ्थ में इन अ सिचुएशन, ये बहुत छोटी शीट है, एक काम करो इसके आप 10 मिनट लो पूरे, फटाफट इसको टेस्ट की तरह सॉल्व करो, ठीक इकट्ठे डिस्कस करेंगे फिर, एक एक करके क्या डिस्कस करना।
ओके देखें, पांच क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन आंसर इज डी, कोई डाउट इसमें? डी लिखा है मैंने तो, डिग्रीज डी नहीं है? अच्छा आंसर लिखे नहीं हुए क्या? आंसर मैं तो डी लिखा हुआ है। चलो डिस्कस कर लो फिर। इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स पर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड वर्टिकल इज डिक्रीज्ड। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती थी? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो रिजल्टेंट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल इज थीटा। कॉन्टैक्ट फोर्स ही होती थी ना रिजल्टेंट। तो कह रहा है कि ये कोई कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इन दोनों का एंगल कम कर दूं, और ये भी याद होगा आपको टैन थीटा क्या होता था, ये एफ है ये एन है, एफ बाय एन हम यू होता था, ठीक है, तो एफ बाय एन इस डायग्राम में एफ बाय एन। अब ये कह रहा है कि इसमें अगर मैं एंगल थीटा को मान लो, इसमें तो थीटा एंगल है, अगर मान लो थीटा कम हो जाता है तो टैन थीटा अगर कम होता है तो ऑब्वियसली ये चीज़ कम हो जाएगी, न्यूमिनेटर कम होगा तभी तो टैन थीटा कम होगा, ठीक। मतलब ये तो एक इन जनरल सिचुएशन दे रहा है कि मुझे नहीं पता, वो कह रहा है कि अगर मान लो किसी इस ब्लॉक की बजाय कोई और ब्लॉक लिया जाए जिसमें आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल छोटा बनता है, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ चली जाती है, तो क्या होगा उस केस में? तो ऐसे केस में अगर ये इस तरफ चली जाती है और वेट ब्लॉक का चेंज नहीं करना तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन ही कम हुई होगी, तभी तो आपका थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डिक्रीज है। मैंने क्या बोला था? सॉरी यार, बी है, बी ही है, आई एम सॉरी, बी है। छोटा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ एक ही बात है, सही है, सॉरी आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर इज अगेन बी, इस बार बी, कोई डाउट? यार इसमें मैंने बी लिखा हुआ है अभी यार। वाइल वॉकिंग ऑन आइस, यही है ना? ओके, वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, सो दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर। देखो फ्रिक्शन, वो कह रहा है कि आइस पे चलते हुए छोटे छोटे स्लिप स्टेप्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी चलने के लिए, ज़्यादा फोर्स लगा दी तो आप स्लिप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाओगे और आप काइनेटिक फ्रिक्शन की कैटेगरी में आ जाओगे। स्लिपिंग तब होती है दो सर्फेसिस की जब काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करती है। आप ये चाहते हो कि आपका पैर स्लिप ना करे, स्लिप ना करने का मतलब आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से वैल्यू कम रहे। ये तो वैसे ही केस है जैसे दो बॉडीज़ के बीच में स्लिपिंग नहीं चाहते आप। स्लिपिंग कब नहीं होती? जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कम होती है। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? मान लो एक बॉडी को स्लिप होने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उसमें 10 न्यूटन है। आप कितनी लगाओगे? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 से एक्सीड नहीं करना चाहोगे, यानी कि आप चाहते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ ना जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू कम ही रहे। कितनी? जितनी आप फोर्स अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम के केस में काम करते हो और अगर आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम के केस में काम करते हो तो अगर आप जितनी भी फोर्स अप्लाई करते हो वही हो क्या हो जाती है, उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे अगर आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 2 न्यूटन। अगर 3 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 3 न्यूटन, एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस केस में आप छोटी फ्रिक्शन इंश्योर करना चाहोगे क्योंकि आप फोर्स अप्लाइड ही छोटी रखोगे ताकि आप स्लिप ना हो जाओ, इसलिए स्मॉलर फ्रिक्शन आंसर होगा इसका। फ्रिक्शन है नहीं ना, प्रॉब्लम तो यही है, आइस है वो। तो हाँ, तो नॉर्मल फ्लो तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो वो कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे हो? देखो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ना वो एक बॉडी के लिए कांस्टेंट है। मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते,
आप उसको, आप बड़ा मास लेके आना चाहते हो, बड़ा मास ले आओ, ठीक है। तो उस बड़े मास के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी होगी, कोई भारी बंदा होगा वो भी चलेगा तो छोटा छोटा ना, ये थोड़ी नहीं है क्योंकि मैं भारी हूँ तो मेरी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन हो गई, अब मैं आराम से चल पाऊंगा आराम आराम से, ये तो नहीं हो सकता ना, चलेगा तो अपने हिसाब से वो भी आराम से ही चलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर अ गिवन मास इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो, आपने अपनी फोर्स अप्लाइड कम रखनी है ताकि आप उसको एक्सीड ना कर पाओ, बस यही इसका आंसर है। तो आपको छोटी फ्रिक्शन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, इसका आंसर जो मार्क्ड है वो स्मॉलर फ्रिक्शन मार्क्ड है। नहीं, वो उसके बीच में नहीं जाना, कोई ऐसे ज्योमेट्री नहीं बनानी है, एफ है एन है और ये इस टाइप से कुछ नहीं करना आपको इसमें। ये नॉर्मल फोर्स का कैसे आंसर में चेंज होगा, आप समझे नहीं। नॉर्मल फोर्स में आप ये कह रहे हो, लार्जर नॉर्मल फोर्स कब होती है, जब कोई भारी ऑब्जेक्ट है, एम है, भारी ऑब्जेक्ट तक गिरने की पॉसिबिलिटी तो और भी ज़्यादा है। उल्टा कोई मोटा बंदा होगा वो तो पहले स्लिप होगा क्योंकि वो फोर्स मुझे ज़्यादा लगा देगा ना चलते हुए, कोई हल्का होगा वो आराम आराम से फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली आपको चलना तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही है, क्योंकि जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उतनी ज़्यादा आप फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हो। आप ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम की बात करो, आप ये सोच रहे हो कि मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की कैटेगरी में चला जाऊं, काइनेटिक फ्रिक्शन से पक्का स्लिपरी होएगी होएगी, आप गिर जाओगे क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती नहीं और आइस के ऊपर आपकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है, आप पक्का एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाओगे, आप स्लिप हो जाओगे। तो आपको आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही काम करना है, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट है चाहे वो हल्का है। तो इतने छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि फोर्स अप्लाइड बहुत कम हो, ताकि जितनी फोर्स अप्लाइड हो वही आपको फ्रिक्शन दे दे और आप स्लिप ना हो जाओ। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू में सोचो, उसके ऊपर मत सोचो। तो इसलिए इसका आंसर जो मार्क्ड है वो बी ऑप्शन मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में स्कूटर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है यार। अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम डेल्टा टी वन, देन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट टाइम डेल्टा टी टू, एंड फाइनली विद अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट डेल्टा टी थ्री टू कम एट रेस्ट। सो पहले स्कूटर एक्सेलरेटेड मोशन में है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर स्लो डाउन हो जाएगा रिटार्डेशन में। 500 न्यूटन मैन सिटिंग ऑन द स्कूटर बिहाइंड द ड्राइवर मैनेजेस टू स्टे एट द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्कूटर विदाउट टचिंग एनी अदर पार्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन इज। तो आपको बताने की फोर्स एक्सर्टेड इसमें क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज देखो कि जो स्कूटर पे बैठा हुआ एक मैन है, मान लो मैं स्कूटर के पीछे बैठा हुआ हूँ, स्कूटर आगे जा रहा है, पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है तो मेरे ऊपर क्या लगेगी, पीछे सूडो फोर्स, एक सूडो फोर्स पीछे है और ऊपर से मेरा वेट कितना है 500 न्यूटन है, तो मेरा रिजल्टेंट तो बढ़ा जाएगा ना 500 से। मान लो ये मैन स्कूटर पे बैठा है तो एक तो सूडो फोर्स एक्ट करेगी करेगी और एक क्या करेगा इसमें 500 जी, तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी अंडर रूट ऑफ 500 जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर, तो आंसर 500 से ज़्यादा आएगा। सिमिलरली जब स्कूटर रुक रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन के केस में क्या होता है, आगे की तरफ क्या हो रही है रिटार्डेशन, तो सूडो फोर्स भी कहाँ लगेगी इस तरफ, रिटार्डेशन है। अगर एक्सेलेरेशन होती सूडो फोर्स पीछे, रिटार्डेशन में सूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में, अगर स्कूटर रुकता है आप आगे की तरफ गिरोगे। तो अगेन नेट आंसर इसका भी 500 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन जब स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है नो सूडो फोर्स, आंसर क्या आएगा 500 आएगा, तो इसका आंसर डी आएगा, ठीक। उस तो डेल्टा टी वन टाइम के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन है, डेल्टा टी थ्री के लिए वो रिटार्डिंग मोशन है, डेल्टा टी टू के लिए वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, वो उसकी हेडेक है, फोर्स हिलता है हिलने दो, पर एक बार तो फोर्स ज्यादा लगेगी ना, फोर्स तो ज्यादा लगेगी ना वो अपने आप टेढ़ा मेढ़ों के बैलेंस कर लेगा यार। यार वो ये कहना चाहता है कि स्कूटर की स्टेपनी ना पकड़ ले,
फिर वो फोर्स गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन कैसे करोगे? वो ये चाहता है कि बंदे को ना पकड़ ले, फिर फोर्स कैसे कैलकुलेशन करोगे? फिर तीसरी फोर्स एक और बीच में ले आओगे कि उसने हाथ से पकड़ा किसी चीज़ को? तो इस वजह से कह रहा है कि वो मत सोचना, बस बैठा है, तो उसकी फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी, उसका वेट चेंज होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी, मतलब 4 का आंसर डी सही है। ठीक, 4 का डी, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का ए अपवर्ड्स आ रही है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 कार्स ऑन अनइक्वल मासेस, इसमें क्या है? सिमिलर टायर्स हैं, सेम इनिशियल स्पीड है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? सेम, क्योंकि क्योंकि किसने रोकना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो मास इनटू रिटार्डेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि क्या होगा? माइनस म्यू टाइम्स एम जी। एम से एम कैंसिल, तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आएगी? म्यू जी। तो रिटार्डेशन नेगेटिव होगी, मास से इंडिपेंडेंट है। एक ट्रक को रोकना है, ट्रक का फोर्स कितनी है? एम ए। ट्रक की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? म्यू टाइम एम जी। एम से एम कैंसिल। कार को रोकना है, एम से एम कैंसिल, तो रिटार्डिंग फोर्स विल रिमेन सेम। अच्छा ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। ओके डन, कह रहे मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो एम इंटू ए भी तो ज्यादा होगा, ये भी तो बता दे करो। तो एम से एम ज्यादा कैंसिल हो गया यार, रिटार्डेशन तो सेम ही होगी, वो ट्रक के हिसाब से होगी, कार के हिसाब से होगी, फर्क क्या पड़ता है? सर ये प्रैक्टिकली है साइंस कि ट्रक अगर चल पड़ा तो वो जो है मोमेंटम ज्यादा गेन कर लेगा, ट्रक को रोकना मुश्किल है, कार को रोकना आसान है, ऐसे बोलना चाहते हो? नहीं, वो तो ज्यादा मोमेंटम गेन कर लेती है ना, वो उसका कुछ और फंडा यार, ये कुछ और है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही उसको रोकना है, बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही को रोकना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है। हल्की गाड़ी भी एकदम अगर चलेगी तो वैसे रुकेगी, उसकी फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी, लगता ही है तुम्हें। भारी बॉडी को रोकना, आपके हाथ से रोकना मुश्किल हो जाता है, हल्की को रोकना आप रोक पाओगे, इसलिए लगता है आपको, पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो रिटार्डेशन है वो तो आपके सामने मैथमेटिकली सेम है ना। एज्यूमिंग कि दोनों बॉडीज जो हैं इसमें वो जो मूव कर रही हैं, क्योंकि इसमें हम इतने डीप में नहीं जा रहे ना कि रोलिंग मोशन नहीं आ रही बीच में। नॉर्मली क्या होता है, रोलिंग मोशन हम डिस्कस करेंगे। रोलिंग मोशन एक्चुअल में जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ये हम काइनेटिक फ्रिक्शन से ही काम कर रहे हैं, चाहे कार चल रही है चाहे ट्रक चल रहा है, उसमें टायर है, टायर वाली फ्रिक्शन अभी हमने की नहीं है। ठीक, नहीं सेम नहीं होती, उसमें टॉर्क होता है, तेज चलती है बॉडी, तेज चलती है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर है वो क्या रखना है आपको? सेम ही रखना है, बिकॉज रिटार्डेशन सेम है, तो रिटार्डेशन सेम से क्या हो जाएगा? बाय अप्लाइंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए सेम है तो एस भी क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी आता था, ऐसे काइनेमेटिक्स के टेस्ट में भी आया था, कार चल रही है और एक दो कार्स हैं, एक कार है एक ट्रक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम रहता है, उसमें भी सेम ही था, बिकॉज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस लगाते हैं, मास तो बीच में आता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार इन अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, वो कह रहे हैं बी ऑप्शन है, अप्लाई दी ब्रेक्स हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लाइडिंग। क्यों जोर की ब्रेक्स क्यों लगाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, क्या होता है जो पैड्स हैं वो टायर को दबाते हैं साइड से, प्रेस करते हैं, जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन हाई हो जाएगा, जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगी। ठीक, ब्रेक्स का ये प्रिंसिपल है, रोकना तो ब्रेक्स ब्रेक लगा के रोकना है। पहले एक ना प्रॉब्लम समझ लें, ब्रेक्स दबानी है जोर की रोकने के लिए, ये वो केस नहीं है कि अपने आप रुक जाएगी गाड़ी, फ्रिक्शन है अपने आप कभी ना कभी तो रुक ही जाएगी, वो केस नहीं है, ब्रेक लगा के दबाना है। तो ब्रेक हार्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि ज़्यादा जोर की पकड़ लेगा वो, उसे पकड़ने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
ज्यादा हो जाएगी। आंसर क्या बोला मैंने इसमें, बी अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील स्टॉप्स रोटेटिंग। कोई टेक्निकल बात तो नहीं कही उसने ऐसी की स्टॉप्स रोटेटिंग। बी आंसर है इसका, इसका आंसर बी। बी कहा मैंने, बी बॉम्बे। हाँ, अप्लाई दी ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट व्हील स्टॉप रोटेटिंग। बेसिकली क्या होता है कि रोटेशन, देखो जब हम गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, अब एक होती है स्लिपिंग, एक होता है रोटेटिंग, रोटेटिंग घूमना। अब घूमने का क्या चक्कर होता है, घूमने से किसी बॉडी को अगर घुमाना है ना तो उसमें टॉर्क चाहिए, और घूमने से अगर रोकना है ना तो भी टॉर्क चाहिए, ठीक। और इस केस में आपको ब्रेक से ब्रेक्स ऐसे अप्लाई करनी है ताकि बॉडी स्लिप ना हो जाए। स्लिपिंग इसलिए क्योंकि जब आप जोर के ब्रेक्स अप्लाई करते हो, आप नोट करते हो कि एकदम स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्लाइडिंग स्टार्ट होती है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉर्क के कॉन्सेप्ट से डिस्कस नहीं कर रहे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना कि बॉडी को घूमती हुई बॉडी को रोकना है तो आपको रिटार्डिंग फोर्स नहीं चाहिए होती, आपको रिटार्डिंग टॉर्क चाहिए होता है, जो रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसका आंसर जो मार्क किया वो बी ऑप्शन मार्क किया, बी ऑप्शन मार्क किया, जिसमें अप्लाई दी ब्रेक्स हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, बॉडी स्लिप ना हो। एक्चुअली ये बुक ना, जो बुक कर रहे हो ना, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है जो आप फील कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा उस जोन में चला जाता है जहाँ पर ऑप्शन ए भी लगता है, ऑप्शन बी भी लगता है और ऑप्शन सी भी लगता है। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे अगर आपको मार्क करना है ए ऑप्शन तो आपको जस्टिफिकेशन टॉर्क की देनी पड़ेगी, आप उसको जस्टिफिकेशन स्लिपिंग की नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ए केप्ट ऑन इंक्लाइन सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। द ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्लॉक बी एंड इट इज फाउंड दैट इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इफ इंक्लिनेशन इज 40 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा।
कुछ भी हो सकता है, म्यू गिवन ही नहीं है। अच्छा वेज सेम है, एंगल उसने चेंज कर दिया, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है। अगर आपको स्टार्ट करना है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो थीटा पे डिपेंड करेगी और एक म्यू पे डिपेंड करेगी। अब वो कह रहा है कि मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक। हाँ ठीक है, करेगा, करने दो। देखो ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये एक बॉडी है, ये थीटा है, ये बोलो क्या है एम जी, ठीक है एम जी साइन थीटा, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम एम जी, ठीक है। बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग, आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स, एम और एम क्या हो गया, कैंसल कैंसल, बॉडी की कंडीशन स्लाइड करने की क्या हुई, जी और जी भी कैंसल, दिस इज इक्वल टू दिस। मास कहाँ आ रहा है, बड़ा मास है छोटा मास है फर्क का पड़ रहा है, ऑल ऑफ द केसेस आर पॉसिबल, ठीक है ना। मैथमेटिकली मास कैंसिल हो गया ना, तो कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, एंगल भी तो कर रही है यार, मास पूछ रहे ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो, बॉडी ऑफ मास एम इज अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड अ बॉक्स ऑफ मास एम डैश ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू इन विच एंड बॉक्स एंड फ्लोर इज म्यू डैश, गिवन है म्यू एंड म्यू डैश गिवन है इसमें, स्टेटमेंट ये लिखी हुई है बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू and box and floor is mu dash, ठीक है। In which of the following cases it is certainly not possible to slide the body? Answer तो A है, कैसे A है, आंसर तो ए है। देखो इसमें डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो देखो डायग्राम क्या बनेगा, ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है एम डैश है, और ये मैन है, ये रहा इसका मास क्या है एम है, नॉर्मल रिएक्शन एन, वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश, वेट एम डैश जी, फ्रिक्शन कहाँ पीछे, इसकी फ्रिक्शन कहाँ आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन कब से आगे होने लग गई, जब एक मैन चलता है ना तो वो पैर को पीछे लगाएगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगी, जब कोई बंदा चलता है तो फ्रिक्शन हेल्प करती है उसे चलने में, अपोज नहीं करती, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन अपोज करती है। ये सिस्टम आगे जाएगा यार, बंदा खींच रहा ब्लॉक के साथ पीछे कैसे जाएगा, मैंने बनाया वैसे ही कि खींच रहा है, नहीं है तो कोई बात नहीं खींच रहा है, TNT कैंसिल कर देना। अच्छा चल यार मत ड्रॉ कर, ये ले इसका हाथ है, ये हाथ से खींच रहा है, ठीक। असली चीज़ तो ये है कि ये जो फोर्स है, अगर आप चाहते हो कि ये टू प्रिवेंट स्लाइडिंग स्लाइडिंग ना हो तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक की बड़ी होनी चाहिए मैन की आगे की फोर्स से, और मैन की आगे की फोर्स क्या है एफ, क्योंकि मैन अगर पीछे फोर्स लगाएगा तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी, तो अगर आगे की फोर्स जो भी लगेगी अगर कम हो गई इससे तो ये नहीं मूव करेगा, ठीक। और इसकी वैल्यू होगी क्या, म्यू डैश इंटू एम डैश इंटू जी, और म्यू इंटू एम इंटू जी, जी से जी कैंसल। ऑप्शन नंबर अगर ए को देखोगे तो अगर म्यू किससे कम हुआ
म्यू डैश से कम हुआ और एम एम डैश से कम हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। डी भी कर रही है, कोई आर्बिट्ररी वैल्यूज लेके देख लो ना, सबसे बेस्ट तरीका ये है। जैसे म्यू डैश को लेके देख लो 1/3, इसको देख के देख लो 1/4, इसको ले लो 10 kg, 5 kg, कुछ भी, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है तो कोई भी रेंडम वैल्यूज को देख पुट करके देख लो और कोई कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। और कंडीशन ए ही सेटिस्फाई होगी कि अगर म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, एम डैश को क्या होना पड़ेगा, इससे बड़ा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल दिस शुड बी ग्रेटर, इसको बड़ा होना पड़ेगा, इसको बड़ा करने के लिए ए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा असाइनमेंट में।